मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा चैप्टर क्लास 10th भोली, ये लास्ट चैप्टर रहेगा टर्म 2 के लिए। इसकी समरी क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। सो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। अबाउट भोली, हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस चाइल्डहुड सी हैड बीन कॉल्ड भोली द सिंपल्टन। भोली वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। व्हेन भोली वॉज 10 months ओल्ड सी हैड फॉलन फ्रॉम द कोच। सी हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, सो ड्यू टू दैट सी रिमेंड बैकवर्ड इन माइंड। भोली के बारे में, भोली का नाम सुलेखा था, परंतु बचपन से ही उसे भोली या बुद्धू कहकर बुलाया जाता था। रामलाल नंबरदार की चौथी लड़की थी भोली। जब भोली केवल 10 महीने की थी तो वह चारपाई से गिर गई थी और उसके ब्रेन का कोई पार्ट चोटिल हो गया था, और जिस कारण से वह मेंटली कमजोर रह गई थी। भोलीज वीक पॉइंट्स, भोली वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी एट बर्थ, बट सी हैड द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स व्हेन सी वॉज 2 years ओल्ड। हर बॉडी एक्सपेक्ट द आईज वॉज डिसफिगर्ड। सी हैड डीप पोक मार्क्स ओवर हर बॉडी। सी स्टैमर्ड। द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर, एज ए रिजल्ट सी टॉक्ड अ लिटिल। भोली की कमियां, जन्म से भोली सुंदर और प्रिटी थी, आकर्षित करने वाली थी, परंतु जब यह 2 वर्ष की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया और आंखों को छोड़कर उसका सारा शरीर चेचक के निशान से भद्दा हो गया था। वह हकलाती थी, दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और इसके परिणाम स्वरूप वह बहुत कम बोलती थी। वरीज अबाउट होली, रामलाल हैड 7 children, 3 sons एंड 4 daughters। होली वॉज द यंगेस्ट। ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट होली वर हेल्दी। मंगला एंड चंपा कुड बी मैरिड वेन टाइम्स वुड कम। राधा द एल्डेस्ट डॉटर हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट होली। सी वॉज नीदर ब्यूटिफुल नॉर इंटेलिजेंट। भोली के बारे में चिंताएं, रामलाल की 7 संतानों में 3 लड़के और 4 लड़कियां थीं। भोली सबसे छोटी थी। भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ थे। मंगला और चंपा की समय अनुसार शादी हो जानी थी। राधा की शादी पहले ही हो चुकी थी, परंतु रामलाल को भोली के बारे में चिंता थी। वह न तो सुंदर थी और ना ही होशियार। भोली टेकन टू स्कूल, भोली वॉज 7 years old व्हेन अ प्राइमरी स्कूल वॉज ओपन्ड इन द विलेज। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी। ही आस्क्ड रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स। ही मस्ट सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। एट फर्स्ट रामलाल्स वाइफ ऑब्जेक्टेड टू इट, बट सेड दैट नो वन वुड मैरी भोली। बट रामलाल टुक भोली टू स्कूल द नेक्स्ट डे। भोली का स्कूल जाना, भोली जब 7 वर्ष की थी तो गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला। तहसीलदार साहब स्कूल खुलने की जो ओपनिंग सेरेमनी थी वह पूरी करने के लिए आए थे। उन्होंने रामलाल को गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करने के लिए कहा और उसे कहा कि अपनी लड़कियों को उसे स्कूल भेजना चाहिए। पहले तो रामलाल की पत्नी ने इस पर आपत्ति जताई। उसने कहा कि भोली से कोई शादी नहीं करेगा, परंतु अगले दिन रामलाल भोली को स्कूल ले गया। भोली एट स्कूल, भोली वर सम डेकेंट क्लॉथ्स दैट डे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर गिविन टू हर। सी वॉज वॉच,
Her hair were oiled. Voli feared much. The headmistress took Voli to sit down in a corner of the classroom. Voli did not know what was school alike. But she was glad that there were many girls of her own age. They would be her friends. स्कूल में भोली। उस दिन भोली ने कुछ सुंदर कपड़े पहने थे। भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनवाए गए। उसे अपनी सिस्टर्स की पुरानी कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे। उस दिन उसे नहलाया गया, बालों में तेल डाला गया। भोली काफी डर रही थी। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को क्लासरूम के एक कोने में बैठने के लिए कहा। भोली को पता ही नहीं था स्कूल कैसा होता है, परंतु उसे यह खुशी थी कि वहां पर उसे अपनी उम्र की काफी लड़कियां थीं जिनसे वह अपनी मित्रता कर सकती थी। वोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल। द लेडी टीचर सेड समथिंग टू द अदर गर्ल्स। वोली डिड नॉट अंडरस्टैंड। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। सी वॉज चार्म्ड बाई देम। दीज वर ऑफ गॉड्स, द पैरट्स, द काउ। All were alike Voli had seen. The teacher asked Voli her name, but she stammered. She kept her head down. She felt that other girls would laugh at her. She began weeping. Voli का स्कूल में पहला दिन। लेडी टीचर के द्वारा लड़कियों से कुछ कहा गया। Voli को कुछ समझ में नहीं आया। उसने क्लासरूम की दीवारों पर तस्वीरों को देखा। उन तस्वीरों में उसे आकर्षण हुआ। ये तस्वीरें बकरी, तोता, गाय, घोड़े इन सभी की थीं और ये चीजें सभी ऐसी थीं जिन्हें भोली ने देखा था। टीचर ने भोली से उसका नाम पूछा, परंतु वह हकलाती थी। इस वजह से उसने अपना सर नीचे रखा और चुप रही। उसने महसूस किया कि दूसरी लड़कियां उस पर हंसेंगी और उसने रोना आरंभ कर दिया। टीचर्स लव फॉर भोली। द टीचर कॉल्ड हर नेम। सी स्पोक वेरी सॉफ्टली। नो वन हैड स्पोकन टू हर अर्लियर लाइक दैट। हर हार्ट वॉज टस्ट। द टीचर देन आस्क्ड हर नेम। व्हेन सी स्टैमर्ड, the teacher did neither get angry nor laughed. She encouraged Voli. She patted Voli with love. She asked Voli to take the fear out of her heart, and she also told her that she would speak rightly one day. Then she would not be afraid of anybody. Teacher ne uska naam pukara. वह बड़े प्यार से बोली। पहले उसे भोली को ऐसे किसी ने नहीं बोला था। उसके दिल पर काफी प्रभाव पड़ा। टीचर ने जब उसका नाम पूछा, वह फिर से हकलाई तो न तो टीचर गुस्सा हुई ना ही हंसी। टीचर ने भोली को इनकरेज किया। उसने भोली को प्यार से थपथपाया और उसने भोली को अपने दिल से डर निकालने के लिए कहा। उसने भोली को बताया कि एक दिन वह ठीक से बोलेगी, फिर वह किसी से नहीं डरेगी। भोली रीड्स। द टीचर गेव भोली ए बुक। इट हैड नीदर पिक्चर्स ऑफ डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट इन कलर्स। द टीचर टोल्ड हर दैट सी वुड बी एबल टू रीड इन अबाउट 1 month। सी वुड रीड ए बिगर बुक। Then no one would laugh at her. Voli felt happy. She felt as if the bells in the Blaze temples were ringing. Her heart was beating with a new hope and a new life. Voli पढ़ना आरंभ करती है। अध्यापिका ने Voli को एक किताब दी। इसमें रंग बिरंगे जानवरों की सुंदर तस्वीरें थी। अध्यापिका ने बताया कि वह 1 महीने में पढ़ने के योग्य हो जाएगी। फिर वह एक बड़ी पुस्तक उसे देगी। कोई भी उस पर नहीं हंसेगा। भोली को खुशी हुई। उसने महसूस किया कि गांव के मंदिर की सारी घंटियां बज रही हैं
और उसका दिल एक नई आशा और एक नई जीवन के लिए धड़क रहा था। चेंजेस इन भोलीज ब्लेज। द ईयर्स रोल्ड, द ब्लेज बिकम अ स्मॉल टाउन, द प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल। नाउ देयर वॉज ए सिनेमा एंड ए कॉटन गिनिंग मिल। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। भोली के गांव में परिवर्तन। वर्ष बीत गए, गांव एक छोटा कस्बा बन गया, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया, अब वहां एक सिनेमा और कपास का एक मिल था। उनके रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस मेल ट्रेन डाक गाड़ी की वह भी रुकने लग गई। अबाउट भोली इज मैरिड विद विशंबर। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल आस्क्ड हिज वाइफ अबाउट विशंबर्स प्रपोजल टू मैरी भोली। हिज वाइफ वॉज हैप्पी दैट भोली वॉज गेटिंग ए वेल्दी ब्राइडग्रूम। विशंबर हैड ए बिग शॉप एंड ए हाउस ऑफ हिज ओन। He was 45 or 50. He limped also. He had the children from his first wife also. He did not know if Bholi had pock marks on her face. Bholi had heard herself, her parents speaking so. एक रात शाम के समय रामलाल ने अपनी पत्नी से भोली के साथ शादी करने के लिए विशंबर के प्रस्ताव के बारे में पूछा। उसकी पत्नी खुश थी कि उसे एक अमीर दूल्हा मिल रहा है। विशंबर के पास एक बड़ी दुकान और अपना घर था। वह 45 से 50 वर्ष का था। वह लंगड़ाता था। उसके पहली पत्नी के बच्चे भी थे। उसे मालूम नहीं था, विशंबर नाथ को मालूम नहीं था कि भोली के चेहरे पर चेचक के निशान थे। भोली ने स्वयं अपने माता पिता को ऐसी बातें करते सुना था। Bridegroom arrives, बारात दूल्हे का आना। On the fixed date, December came as a bridegroom. He sat on a decorated mare. There was a brass band playing before the bridegroom. Voli's sister get jealous of her. Ramlal was also overjoyed to see such pomp and show. He had never been dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. निर्धारित समय पर विशंबरनाथ दूल्हे के रूप में आया। वह एक सजी धजी घोड़ी पर बैठा था। दूल्हे के आगे ब्रास बैंड चल रहा था और भोली की बहनें उससे ईर्ष्या करने लग गईं। रामलाल को ऐसी शान पॉम्प एंड शो देखकर काफी खुशी हुई और उसने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी लड़की भोली कि शादी इतनी शानदार होगी। अबाउट वेडिंग। एट द फिक्स टाइम द ब्राह्मण आस्क्ड टू ब्रिंग द ब्राइड। भोली वॉज ड्रेस्ड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। वन ऑफ विशंबर्स फ्रेंड आस्क्ड भोली टू गार्लैंड द ब्राइडग्रूम। वुमेन स्लिप्ड बैक भोलीज बैल। विशंबर लुक्ड एट हर क्विकली। He asked his friend if he had seen the pock marks on Voli's face. Her friend told him that it didn't matter. He was also not young. Bisambar asked for a dowry of 5,000 rupees. Ramlal put his turban, his honor, at Bisambar's feet. Ramlal was to give 5,000 rupees to Bisambar as dowry. निर्धारित समय पर ब्राह्मण ने दुल्हन को लाने के लिए कहा। भोली दुल्हन की लाल पोशाक पहने हुई थी। विशंबर के मित्रों में से एक ने भोली को वरमाला पहनाने के लिए कहा। महिलाओं ने भोली के घूंघट को पीछे हटाया। विशंबर ने एक नजर शीघ्रता से देखा। उसने अपने एक मित्र से पूछा कि क्या उसने भोली के चेहरे पर चेचक के निशान देखे हैं। उसके मित्र ने उससे कहा, कोई बात नहीं है, वह भी अब युवा नहीं है। विशंबर ने 5,000 रुपए दहेज की मांग की। रामलाल ने अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत विशंबर के पैरों में रख दी। रामलाल को विशंबर के लिए दहेज के रूप में 5,000 रुपए देने थे।
Ramlal gives 5,000. Ramlal offered Bishambhar 2,000 rupee, but Bishambhar refused. He threatened that they will go back. He also told to keep his daughter. Ramlal had tears on his face. At last, he put 5,000 rupees at Bishambhar's feet. Bishambhar asked for the garland. Ramlal द्वारा 5,000 रुपए देना. रामलाल ने बिशंबर को 2,000 रुपए दिए, परंतु बिशंबर ने इनकार कर दिया. उसने धमकी दी कि वे वापस चले जाएंगे. उसने उसे अपनी बेटी रखने के लिए भी कहा. रामलाल की आंखों में आंसू थे. अंत में उसने 5,000 रुपए बिशंबर के पैरों में रख दिए. बिशंबर ने माला मंगाई. भोली इज रिफ्यूज टू मैरी. वंस अगेन भोली हैड बेल ओवर हर फेस. But she looked straight at Bishambhar. There was neither anger nor hate, but only contempt in her eyes. Bishambhar raised the garland to place it round Voli's neck, but she threw it into the fire. She told her father that she wouldn't marry Bishambhar. She asked him to take the money back. She also told that she was willing to marry the lame old man. But he turned out to be greedy and hateful. She wouldn't marry him. एक बार भोली ने अपने चेहरे को घूंघट पर ले लिया, परंतु वह सीधा बिशंबर को देखने लगी. उसकी आंखों में न तो गुस्सा था न घृणा, परंतु अपमान था. बिशंबर ने भोली की गर्दन में माला डालने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, परंतु भोली ने उसे फेंक दिया, आग में फेंक दिया. उसने अपने पिता को बताया कि वह बिशंबर के साथ शादी नहीं करेगी. भोली ने उनसे पैसा वापस लेने के लिए कहा. उसने यह भी बताया कि वह उस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए तैयार थी, परंतु वह तो लालची और घृणित व्यक्ति निकला. वह उसके साथ शादी नहीं करेगी. वोली's boldness. Other women wondered Voli, a harmless dumb cow, had become so violent. Voli told them that is why they were giving her to that greedy man. But she wouldn't go. All started going back. Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed with a grief and shame. दूसरी महिलाएं भी हैरान थीं कि एक गूंगी और नुकसान रहित हार्मफुल बिना कुछ कहने वाली गाय के जैसी भोली इतनी हिंसक कैसे हो गई. भोली ने उसको बताया कि इसी कारण से, क्योंकि वह कुछ बोलती नहीं है, इसी कारण से वे उसे उस लालची व्यक्ति को दे रहे हैं. परंतु वह नहीं जाएगी, परंतु वह शादी नहीं करेगी. सभी वापस जाने लगे. रामलाल भूमि पर जड़बत खड़ा रह गया. उसका सिर दुख और शर्म से छुक गया. Voli thinks of future. The flames of the sacred fire slowly died down. Ramlal told Voli that no one would marry her then. What would they will do with her? Voli told her father not to worry. She told him that she would serve them in his old age. She would teach in the same school her teacher had seen the whole drama. She showed her satisfaction at it. She did so like a great artist does on his creation of masterpiece. भविष्य के बारे में भोली की सोच. पवित्र आग की लपटें बुझ गईं. रामलाल ने भोली को बताया कि अब उससे कोई शादी नहीं करेगा. वे अब उसका क्या करेंगे. भोली ने अपने पिता को चिंता न करने के लिए कहा. उसने बताया कि वृद्धावस्था में वह उनकी सेवा करेगी. वह स्कूल में पढ़ाएगी जहां पर वह पढ़ी थी. उसकी अध्यापिका टीचर वो सारे नाटक देख रही थी और वह बड़ी संतुष्ट थी. और वह इस तरह से संतुष्ट थी जैसे कि एक कलाकार अपने मास्टरपीस पर संतुष्ट होता है. नाउ क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द चैप्टर.
Why is Sulekha called holy? Sulekha is called holy because she is a simpleton due to her suffering. Some brain damage after falling off a cot when she was 10 months old. As a result, she is not smart as other children of her age. What happened to Bholi when she was 2 years old? Bholi fell a victim to smallpox at the age of 2 years. Her face and body become full of pock marks. She was still fortunate as her eyes had remained untouched and were fine. How did Bholi react when the teacher asked her name? Bholi stammered when she spoke and could not tell her name completely when the teacher asked her to do so. She broke into tears. Bholi found her teacher to be different from others. How? Others had always neglected Bholi. They made fun of her all the time. But she found her teacher to be different. Her voice was calm, her manner comforting, and touch was full of affection. What filled Bholi, a dumb cow, Bide knew of in her life? Bholi's first day of school brought a hope of a new life. She had found a loving and kind teacher. The teacher had inspired her and given her a book and had made Bholi feel confident about herself. Why were Bholi's sister envious of her luck? Bisambarnath was quite prosperous. The procession for Bholi's marriage had a brass band and the groom rode on a decorated horse. Such pomp and show impressed everyone. All this made her sisters envious of her. Why did Bisambar's marriage with Bholi not take place? Bisambar's marriage with Bholi did not take place because he had demanded a dowry of 5,000 rupees from her father for the marriage. So Bholi refused to marry him. Dowry is negation of the girl's dignity. Discuss with the reference of the story Bholi. A girl is an individual of her own right. Equal opportunities in life can help her become independent and strong. She is not a burdensome object to be given away with money as compensation. Thus, dowry neglected the girl's dignity and self-respect. The story Bholi shows this in a dramatic manner. Bholi is thought to be ugly and dumb by her parents, so they are willing to pay dowry to an old man with a limp so that he marries her. Bholi, on the other hand, refuses to marry that man. She is educated, assertive, and capable of taking care of herself. She dedicates her life to service of her parents and teaching at school. The character Bholi, the chapter Bholi, highlights the discrimination amongst the girl child. Analyze. Nature does not discriminate, but society does. From time immemorial, the world has discriminated against the girl child. The chapter Bholi throws up many such instances. Ramlal's son go to school and college. His daughter are not educated but married off. Her mother does not think it necessary to take Bholi consent for her marriage. The groom is old and lame. Still he demands dowry. Her father is ready to pay him also. It is the girl herself who raised her voice against this marriage. She is criticized and humiliated for standing up for her dignity. But she is firm and decides the course of her life. So thank you for watching this video. I hope these questions will help you in your examination. Thank you. Have a nice day.